कि ससुर ने मुझे छेड़ा या फिर जो ननद होती है उसने मुझे गालियां दी, भद्दी गालियां दी या मेरा अबॉर्शन तक करवा दिया। ऐसी बहुत तरह की प्रॉब्लम दोस्तों आपके सामने आती है जब आप देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों में। खुद कोर्ट भी चाहता है किसी तरह से मीडिएशन हो जाए, सुलह हो जाए, दोनों का घर दोबारा बस जाए। दोस्तों एक लड़का और लड़की शादी करते हैं अपने पेरेंट्स की मर्जी से या फिर वो लव मैरिज कर लेते हैं। शादी करने के कुछ वक्त के बाद दोनों में कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं। डिस्प्यूट्स होने के बाद में अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगाए जाते हैं और मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। यहीं से शुरू होती है डोमेस्टिक वायलेंस। जो आपने अक्सर सुना होगा ऐसे केस दर्ज होते हैं उनका पूरा सफर, जो कि थोड़ा नोकझोंक भरा होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है और लास्ट में ज्यादातर मामलों में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और काफी लोग इस केस को अंत तक लड़ते हैं जो केस रियल होते हैं। बट मैक्सिमम केसेस में देखा गया कि मीडिएशन में ही कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं या फिर आगे जाकर कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। बट मामले बहुत तरह के होते हैं। जब भी मामला शुरू होता है दोस्तों तो अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, बहुत तरह केस डाले जाते हैं। लोग सोचते हैं ठीक है एक केस मुझ पर डल गया, उसको हम देख लेंगे, पता चलता है दूसरा केस भी पीछे पीछे आ गया। पहले तो लड़की ने जाकर वुमेन सेल में कंप्लेंट करवा दी, 498A का मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद में ये देखते हैं कि सेक्शन 12 का भी केस पीछे पीछे आ गया, फिर देखते हैं मेंटेनेंस का केस भी पीछे पीछे आ गया, साथ में और भी एक दो केस डाल दिए जाते हैं। और दोस्तों काफी तरह के एलिगेशंस लगाए जाते हैं आपके पेरेंट्स के ऊपर भी कि ससुर ने मुझे छेड़ा या फिर जो ननद होती है उसने मुझे गालियां दी, भद्दी गालियां दी या मेरा अबॉर्शन तक करवा दिया। ऐसी बहुत तरह की प्रॉब्लम दोस्तों आपके सामने आती है जब आप देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों में। अपने देश में जितने भी फैमिली कोर्ट्स हैं भरे पड़े हैं दोस्तों, डेली इतने मैटर्स होते हैं। खुद कोर्ट भी चाहता है किसी तरह से मीडिएशन हो जाए, सुलह हो जाए, दोनों का घर दोबारा बस जाए। पर शुरू में लड़का और लड़की दोनों ही इतना ज्यादा गुस्से में या इतना ज्यादा किसी के चढ़ाई में होते हैं कि न जाने वो क्या कर देंगे और यहीं से उनकी कोर्ट कचहरी की जर्नी शुरू भी होती है। शुरू में तो लड़की के साथ भी देखा जाए पूरा परिवार आता है और वक्त जैसे जैसे गुजरता है वैसे वैसे वो लड़की अकेली पड़ जाती है, यहाँ से वो लड़का परेशान होता है। ये सारे मामले दोस्तों कैसे चलते हैं, कौन कौन से केसेस रजिस्टर कराए जाते हैं लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से, आप ये मत सोचना कि सिर्फ एक ही केस होगा, मैं एक ही केस लड़ूंगा, काफी केसों में आप उलझ जाते हो, आपका पैसा और दिमागी संतुलन दोनों ही हिल जाता है और दोनों से ही आपको हानि होती है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि लड़का लड़की की शादी होने के बाद में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ और मामला गया कोर्ट में तो कौन कौन से केसेस होंगे और क्या क्या प्रावधान है उनसे निकलने के या क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये सब जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए कराते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों हालांकि बड़े बुजुर्ग भी ये बात बोलकर गए हैं कि कोर्ट कचहरी से दूर ही रहना चाहिए, पर जब आपके साथ कोई भी किसी भी तरह की क्रुएलिटी हो जाए या कोई भी किसी भी तरह की अगर हिंसा हो जाए आपके ससुराल में तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आपको सहारा लेना होगा कोर्ट का और साथ में पुलिस थाने के जो मामले हैं इनके आपको चक्कर काटने होंगे और बाद में जाकर कोई सॉल्यूशन निकलेगा। सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है दोस्तों, लड़के लड़की की लड़ाई होती है, लड़की अपने घर पे कंप्लेंट करती है, कुछ वक्त तक तो लड़की वाले थोड़ा सहन भी करते हैं, बाद में हो सकता है किसी की बातों में आकर वो केस का सहारा लेते हैं, कंप्लेंट जाकर देते हैं पुलिस स्टेशन में, वुमेन सेल में जाते हैं। उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है, आपके वकील साहब एक अच्छी सी एक कंप्लेंट बनाकर दे देते हैं, 498A का मुकदमा दर्ज हो जाता है, FIR लॉज हो जाती है। हालांकि 498A के अंदर सीधा तरीके से किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, 41A का नोटिस देते हैं और वो मुकदमा दर्ज करके चार्जशीट फाइल हो जाती है कोर्ट में, यहां से पहला मुकदमे की शुरुआत होती है। और वहां दूसरी तरफ देखा जाए तो लड़का सेक्शन 9 का एक नोटिस भेजता है लड़की को कि बिना बताए घर से चली गई है और मैं चाहता हूं बार बार बुलाना, पर बार बार मेरे बुलाने पर भी लड़की घर वापस नहीं आ रही है। और सेक्शन 9 का वो इस्तेमाल करते हैं, सेक्शन 9 से अपने केस को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। वही दूसरी ओर देखा जाए तो लड़की एक और केस डाल देती है सेक्शन 12 का। सेक्शन 12 में लड़के को कोर्ट बुलाया जाता है, रिप्लाई उसको देना होता है, वहां पूछताछ होती है कि भाई क्या हुआ आपके साथ, कैसे कैसे हुआ, जब शादी हुई तो आप कौन से घर में गए थे, क्या करता है आपका पति, ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। उसके बाद केस शुरू होता है, लड़का अपना रिप्लाई फाइल करता है। फिर एक और केस डलता है जो होता है 125 ऑफ CRPC, जिसके अंदर की मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है कि लड़की के इतने इतने खर्चे हैं और इतना इतना पैसा लड़की को मिलना चाहिए जो उसका हक बनता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। यहीं पर लड़का अगर देखा जाए तो अगर बच्चा कोई हुआ है तो उस बच्चे की कस्टडी की डिमांड करता है,
और अगर बच्चा नहीं हुआ है तो सीधा सीधा वो डिवोर्स की डिमांड करता है। पर यहाँ पर भी कोर्ट अपना एक लीनियंट एक सॉफ्ट कॉर्नर से काम करती है और दोनों को मीडिएशन के लिए बोलती है कि मीडिएशन में जाइए, हो सके तो मीडिएशन में ही अपनी जो डिस्प्यूट है उनको सुलझा लीजिए। कोर्ट भी यही चाहता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां ना बढ़े। मीडिएशन पर पूरी एक डिटेल वीडियो मैंने अपने इसी चैनल पर बनाई है दोस्तों, आप उस वीडियो को देखेंगे। मीडिएशन किस तरह से कोर्ट में होता है आप समझ जाएंगे, आपके वकील साहब वहां पे होने चाहिए या नहीं, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सब आपको जानने को वहां से मिल जाएगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शादी हुई 2-4 महीने बाद ही लड़का लड़की अलग हो गए। यहाँ पर कंटेस्टेड डिवोर्स का एक प्रावधान होता है कि 1 साल के अंदर भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी बोल दिया है, लड़का लड़की अगर दोनों राजी हैं तो 1 साल के अंदर भी उनको डिवोर्स दिया जा सकता है, डिवोर्स वो लोग ले सकते हैं। दोस्तों दोनों ही तरह के मामलों की मैं बात करूं, चाहे कितने भी आप केस डाल लें, दोनों ही मामलों में आपके धन की और आपके सुकून की तो हानि होगी ही। आप ये सोचें एक केस डला है एक की फीस में सारे केस वकील साहब आपके लड़ लेंगे, ऐसा होता नहीं है। जितने केसेस होंगे उतनी फीस आपसे वकील साहब लेंगे और आपके कोर्ट कचहरी का जो सफर है वो शुरू हो जाएगा। आपको न्याय चाहिए, आपके साथ रियली में ऐसा कुछ हुआ है तो आपको अपनी फाइट आगे तक बिल्कुल लड़नी चाहिए। और लड़के के साथ अगर गलत हुआ है, लड़के के साथ अगर कोई भी गलत एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो उसको भी अपनी ये पूरी फाइट आगे तक लड़नी जरूर चाहिए। पर मैं आपको यही बोलूंगा, अगर मीडिएशन से सॉल्यूशन हो सकता है तो आप करें, अगर नहीं होता है तो अपनी लड़ाई को आप आगे लड़ें। क्योंकि आप हो सकता है कि डिवोर्स ले लें, नीचे से डिवोर्स आपका हो भी जाएगा, आपने फर्स्ट मोशन फाइल किया, सेकंड मोशन फाइल किया, बट फिर भी आपको हाई कोर्ट जाना होगा 498A की जो FIR हुई है उसे क्वेश्चन कराने के लिए। मैंने कई बार देखा है डिवोर्स हो जाता है पर लड़के लड़की ने अपनी वो FIR जो 498A की चल रही थी, जो लड़की ने FIR करवाई लड़के के अगेंस्ट, उसे अब तक क्वेश्चन नहीं करवाया, उसकी डेट्स लग रही होती है। तो जब एक और आपका डिवोर्स हो ही गया है तो 498A को भी आपको साथ के साथ क्वेश्चन करा देना चाहिए ताकि केस रहे ही ना और आप आगे बढ़ सके। क्योंकि लड़के लड़की के बीच में डिस्प्यूट है तो लड़का या लड़की दोनों ही जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक दूसरी शादी कर नहीं सकते, ये अपराध है। किन किन कंडीशंस में आप शादी कर सकते हो, किन किन कंडीशंस में आप शादी नहीं कर सकते, उस पर भी डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने इस चैनल पे बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है कि लड़की को तो पूरा अधिकार है कि वो केस जहाँ से चाहे वहाँ से डाल सकती है, मतलब कि जहाँ पर वो शादी करके लड़के घर पे आई वहाँ से भी डाल सकती है, जहाँ उसका मायका है वहाँ से भी डाल सकती है, लड़की अब कहीं और रहने चली गई वहाँ से भी केस डाल सकती है। बाद में ट्रांसफ़र लेना एक बात एक अलग चीज़ है, आपको आगे तक जाना होगा, बट फिलहाल के लिए तो लड़की के पास ये सब रेमेडीज़ होती हैं और इन सब में सफ़र करना होता है लड़के को। नौकरी या फिर काम जो भी कुछ करते हैं वो सफ़र करता है, सब छूट जाता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना आप शुरू कर देते हैं। कोई भी किसी भी तरह की दोस्तों सलाह आप चाहते हैं, जानकारी आप चाहते हैं, आपके ऊपर कोई ऐसा केस हुआ है या फिर आपको आशंका है, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें, हम आपको उसमें हेल्प जरूर करेंगे, या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे, या हो सकता है हमारे उस एक सजेशन से आप उस केस से बाहर निकल सकें और अपनी जिंदगी को फिर से आप सुचारू रूप से चला सकें। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।